साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक मैंने लिया, ये आपको क्लास 12 के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नीट में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट जो इस पर बोर्ड एग्जाम देंगे, हो सकता है कि आपको 3 मार्क्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड बताएं। वैसे मैंने एनसीईआरटी में 5-6 पॉइंट दिया हुआ है, तो किसी किसी को होता है कि याद नहीं होता कि मेन पॉइंट क्या है, उसमें मैंने एक एक वर्ड को अलग किया। उस वर्ड को अगर आपको याद हो जाएगा तो उससे आप पूरा पॉइंट बता सकते हो। तो कैसे याद रखना है, तो आपको, हमें सबको पता रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जब भी एडमिशन होती है तो आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ इतना गया, इसका कट ऑफ इतना गया। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं, डीयू बोलते हैं। तो कैसे याद रखना है, आज के बाद से डीयू का कट ऑफ आपको क्या याद रखना है कि ये फीचर्स हैं जेनेटिक कोड का। जेनेटिक कोड का फीचर क्या है, डीयू का कट ऑफ, डीयू का कट ऑफ, जहाँ के ऑफ मैंने ऐसे ही ऐड किया है। आपको क्या याद रखना है, डीयू कट, कट ऑफ, ऑफ ऐसे ही ऐड है, डीयू कट याद रखना है। डी फॉर डीजेनरेसी, यू फॉर अनएम्बिजियस, सी फॉर कॉमालेस, यू से यूनिवर्सल, टी से ट्रिपलेट। डी से डीजेनरेसी, यू से अनएम्बिजियस, अनएम्बिजियस जो बोलना है आपको, ठीक है, GUOUS, सी से कॉमालेस, यू से यूनिवर्सल, टी से ट्रिपलेट। तो क्या याद रखना आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी CUT कट। अब देखते हैं कि क्या होता है डीजेनरेसी में। तो क्या लिखा है मैंने कि वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे कि मैंने वन अमीनो एसिड यहाँ लिखा है, तो मैंने वो एक एग्जाम्पल है, एक कोई अमीनो एसिड लिखा जैसे कि फिनाइल एलानिन। तो ये क्या है, और उसके बाद क्या लिखा है मैंने कि कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो जैसे कि ये फिनाइल एलानिन है, ये कोड होगा किसी एक से ज्यादा कोडॉन से। तो इसमें मैंने कौन सा एक से ज्यादा कोडॉन लिखा है, एक UUU और एक UUG। ये क्या हुआ, ये दो कोडॉन है, मतलब ये क्या है कि एक से ज्यादा कोडॉन हुआ ना, इसका मतलब यही है कि वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। एग्जाम्पल जैसे कि फिनाइल एलानिन इज कोडेड बाय UUU एंड UUG। कंप्लीट। अब देखते हैं अनएम्बिजियस। तो अनएम्बिजियस में मैंने क्या लिखा है, देखो, वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। जैसे कि मान लो कोई भी एक्स 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 कोडॉन हुआ, कोई भी मान लो, लेट अस सपोज, ये कोड क्या करेगा फॉर ओनली वन अमीनो एसिड के लिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जैसे कि एक कोडॉन मैंने ले लिया GUG, अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो ये कोड करता कोई एक अमीनो एसिड में, बट यहाँ पे ये GUG जो है ये कोड कर रहा है फॉर टू अमीनो एसिड। टू कौन कौन सा, एक वेलाइन है, सॉरी वेलिन है, और एक मिथ्योनिन है। जो वेलिन है ये मोस्टली करेंगे और ये मिथ्योनिन रेयरली। अगर ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक एक कोडॉन है और ये कोड कर रहे हैं एक से ज्यादा अमीनो एसिड को, इसलिए ये एक्सेप्शन हुआ। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। तो कोई जैसे कोई एक्स 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 कोई भी कोडॉन ले लो, उसे कोड करेगा फॉर ओनली एक अमीनो एसिड। जैसे कि मैंने मान लो UUU लिया, तो ये एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, फिनाइल एलानिन को वन। लेकिन इसका एक्सेप्शन है जैसे कि GUG, ये दो को कर रहा है, वेलिन मिथियोनिन, ये एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल नहीं है, एक्सेप्शन है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ जो आगे मैंने बताया ये एग्जाम्पल बताया और ये मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कॉमालेस। तो कॉमालेस देखो, 5' से 3' मैंने लिखा है, तो ये क्या AUG, इसमें कॉमा नहीं है, ये क्या होते हैं, कॉमालेस होते हैं। फिर है ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में मैंने देखो क्या लिखा है, सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कोड आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर चाहे वो ह्यूमन हो, सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कोड प्रेजेंट होंगे सब में। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल UUU हुआ, ये जो जेनेटिक कोड होगा कोड करेगा फिनाइल एलालिन को। तो ये बैक्टीरिया में भी सेम होगा, ह्यूमन में भी सेम होगा, इसलिए जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, समझे। अब देखो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट वन कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस। जैसे कोई भी हो गया, UUU UUAG, GUG, ये क्या हुआ, 1 2 3, 1 2, ये ट्रिपलेट हुआ। ये तो ऐसा सबसे पहले आता, आप जब लिखोगे सबसे पहले लिखना, मुझे ट्रिक को फॉर्म करना था इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो कोडॉन होते हैं वो मेड अप ऑफ 3 3 नाइट्रोजनस बेस, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखना आपको, DU कट ऑफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, DU कट, डी से डीजेनरेसी, यू से अनएम्बिजियस, सी से कॉमालेस, टी से ट्रिपलेट। तो ये क्या होते हैं, साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जो टॉपिक लिया ये मैंने क्लास 12 के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से लिया। तो देखो,
इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो सीरीज मेरा चल रहा है ये ट्रिक्स का सीरीज है। तो जी हाँ, ये एक ट्रिक का सीरीज है और इसमें भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जैसे एनसीईआरटी में देखो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके स्टेप्स, तो वही मैं आपको कोशिश किया हूँ इस वीडियो में कि आपको याद करवा सकूँ, और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें से मैंने कोशिश की आप लोगों की सारे सारे पॉइंट्स आपको याद करवाऊँ, क्योंकि मेन पॉइंट ये हैं और इसमें नीट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि अगर उसका करेक्ट स्टेप बताओ, ये सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जा सके, ठीक है। इसलिए आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो वही आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा सारे उसके स्टेप। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये एक ट्रिक का ही सीरीज है और इसमें मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ। तो ट्रिक कैसे याद रखते हैं, चलिए देखते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको एक चीज याद रखना है कि देखो, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो, आपकी एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है, वो लड़की है, लड़की को मानो, लड़की कोई फ्रेंड है, उसका नाम डीएस है, डीएस कोई फ्रेंड हो सकती है। मैंने यहाँ पे दीपिका सिंह को लिया है, क्या लिया है, दीपिका सिंह, कोई भी फ्रेंड आप लग सकते, दीपा कुछ भी, डी से कोई भी नाम ले लो, दीपा सिंह। तो मान लो आपके कोई दीपा सिंह है, वो बिहार की है, ठीक है, और वो और बिहार की है वो, और उसने एग्जाम दिया, वो पास हो गई, लेकिन उसे जो मेडिकल कॉलेज मिला वो हरिद्वार में मिला। तो अब वो बिहार से हरिद्वार जाएगी डॉक्टर बनने, अगर उसे डॉक्टर बनना है, उसने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, तो वो तो बिहार की है, लेकिन उसे कॉलेज कहाँ का मिला, हरिद्वार का मिला। सपोज करने मैं बोल रहा हूँ कि मान लो, हाइपोथेटिकल आपको मानना है कि उसे कहाँ मिला, बिहार में, सॉरी बिहार से उसे हरिद्वार में मिला, तो आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने। क्या याद रखना है आपको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब भी रहेगा, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार से ऐसे ऐड है हरिद्वार डॉक्टर बनने, ऐसे ऐड है, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके साथ मेरे साथ साथ आपको याद हो जाए। तो आई फॉर आइसोलेशन, तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डी फॉर डाइजेशन, फिर क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, फिर एस एस फॉर सेपरेशन। देखो मैन, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि अगर आई याद रहेगा आपको, पहला तो याद रखना है आई दीपिका सिंह बिहार से, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बने, आई से आपको याद रखना आइसोलेशन, डी से याद रखना आपको डाइजेशन, एस से याद रखना सेपरेशन, बी से याद रखना आपको ब्लॉटिंग, एच से याद रखना आपको हाइब्रिडाइजेशन, डी से याद रखना डिटेक्शन। अगर आपको आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन और डिटेक्शन, ये दो बार डी है, पहला डी डाइजेशन होगा और दूसरा डी डिटेक्शन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन, डिटेक्शन ये याद होगा, तो आप इसके हेल्प से पूरा लाइन को याद कर सकते हो, कैसे, कि आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार हरिद्वार डॉक्टर बनने, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डी फॉर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, एस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी से ब्लॉटिंग, एनसीईआरटी में यहाँ पहले स्टार्टिंग है ट्रांसफरिंग और ब्रैकेट में दिया हुआ है ब्लॉटिंग, जिसे हम ब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं। तो बी से आपको क्या याद रखना है, ब्लॉटिंग, तो ब्लॉटिंग में क्या लिखना है कि ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन। अब फिर एच से क्या याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रो, डी फॉर डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा, जाते जाते एक बार और देख लेते हैं, आई दीपिका सिंह बिहार से कहाँ गई, हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई दीपिका सिंह बिहार से हरिद्वार डॉक्टर बनने, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर डाइजेशन, एस फॉर सेपरेशन, बी फॉर ब्लॉटिंग, एच फॉर हाइब्रिडाइजेशन, डी फॉर डिटेक्शन, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो देखो ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया ये आपको क्लास 12 के पेज नंबर 103 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में मिलेगा। तो ये जैसे कि लिखा हुआ है ना इसमें, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखो ये तो एक तो है कि अगर आपको क्लास 12 में हो, आपको बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना होना हो, मतलब याद रखना पड़ेगा 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट में मेन जो वर्ड है उसको मैंने उठाया है और एक यहाँ पे ट्रिक बनाया। अगर आपको ये ट्रिक याद रह जाएगा तो ट्रिक से आपको एक वर्ड याद हो जाएगा, और अगर आपको एक वर्ड याद हो गया तो आप पूरे पूरे लाइन को याद कर सकते हो।
जैसे कि ये चारों लाइन है, तो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है नीट में भी आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी का नीट भी कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक SRM यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, आपको हमें सबको पता होगा। मान लो आपने एडमिशन ले लिया, ऐसे ही मान लो, तो आपने एडमिशन ले लिया, तो आप जाओगे तो अब क्या बोलोगे? मैं चला SRM, मैं चला SRM, मैं चला, एक साथ है, मैं चला SRM, मैं चला से आपको याद रखना है मेंटेलियन कैरेक्टर, एस से याद रखना है आपको स्टेबल, आर से याद रखना है रेप्लिकेशन, एम से याद रखना है म्यूटेशन, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या याद रखना है? मैं चला SRM, मैं चला SRM, मैं चला मतलब मेंडेलियन कैरेक्टर, एस फॉर स्टेबल, आर फॉर रेप्लिकेशन, एम फॉर म्यूटेशन। ये हो गया, अब पूरा पूरा पढ़ते हैं। पहला ये रेप्लिकेशन, ये याद रखना है, स्टेबल, म्यूटेशन, मेंडेलियन कैरेक्टर, एम सी, मैं चला SRM, ये याद हो गया। अगर आपको मैं चला तो पढ़ो, इट्स शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेशन याद है तो ये पूरे लाइन को याद कर सकते हो। स्टेबल अगर याद है तो इट्स शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, अगर आपको उसके बाद अगर म्यूटेशन याद है तो आप ये लिख सकते हो, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस डेट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। फिर अगर आपको मेंडेलियन कैरेक्टर याद रहेगा वर्ड, तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। एक बार और देखते हैं, आप देखो, मैं चला SRM, मेंडल कैरेक्टर से आपको ये पूरा याद रखना होगा, स्टेबल से आपको ये याद रखना होगा, रेप्लिकेशन से पूरे इस लाइन को याद कर सकते हो और म्यूटेशन से इस लाइन को याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये गोल्स ऑफ SGP का पॉइंट याद करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप इजिली से याद कर लो। तो देखो, पूरा लाइन का ट्रिक तो नहीं बन सकता है, तो एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं उठाता हूँ और उसे ट्रिक बनाता हूँ। उससे क्या होता है कि अगर इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद हो जाए ना, तो उस वर्ड के थ्रू आपको पूरा लाइन याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे है। तो गोल्स ऑफ SGP, तो ID सीता, सीता जानते हो आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा, राम सीता या सीता बहुत कॉमन नाम भी होता है। तो सीता SITA, सीता ID, ID जानते हो आप लोग, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पे हो, स्कूल में ही होगे, 11th 12th में अगर होगे तो स्कूल में आप लोग ID कार्ड होता होगा। तो कोई मान लो आपके क्लासमेट है सीता नाम की, तो सीता नाम है कोई है, उसका ID कार्ड से आपको याद रखना, ID सीता, ID, तो आपको ID सीता याद रखना। तो I से याद रखना है आपको आइडेंटिफाई, D से याद रखना है आपको डिटरमाइन, S से याद रखना है आपको स्टोर, I से याद रखना है आपको इम्प्रूव, T से आपको याद रखना है एड्रेस, सॉरी, T से आप याद रखना है आपको ट्रांसफर, और A से याद रखना है आपको एड्रेस, आइडेंटिफाई, डिटरमाइन, स्टोर, इम्प्रूव, ट्रांसफर, एड्रेस, ये देख लिए। तो आपको आइडेंटिफाई अगर याद होगा तो आपको अगर एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्या है? सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 टू 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, IDSITA, ID सीता, IDSITA सीता, आइडेंटिफाई, ठीक है, इसके बुक के आगे ही लिख लेना है इसे, ID सीता, I फॉर आइडेंटिफाई, D फॉर डिटरमाइन, S फॉर स्टोर, I फॉर इम्प्रूव, T फॉर ट्रांसफर, A फॉर एड्रेस। इतना याद हो गया, एक बार पढ़ लेना। आइडेंटिफाई वाला से ये पूरा लाइन पढ़ लोगे, डिटरमाइन से ये पूरा लाइन पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, फिर स्टोर से स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटा बेस, इम्प्रूव से याद रखना आपको इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। तो देखो, मैंने पहले बताया कि ये जो सीरीज है ये ट्रिक्स का ही है, कि इसमें मैं सिर्फ आपको याद ही करवा रहा हूँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। एक बार जाते जाते फिर से देखते हैं, आई डी सीता, ID सीता, I से आइडेंटिफाई, D से डिटरमाइन, S से स्टोर, I से इम्प्रूव, T से ट्रांसफर, A से एड्रेस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।